दीवा देखा आप दीपावली पे जो जलता है yes. उसमें जब ऑयल होता है तो जलता रहता है, लेकिन जिस दिए में साला ऑयल ही नहीं है वो जलेगा no. तो जिस आदमी के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ करने का हुनर नहीं है, कुछ करने के लिए जुनून नहीं है, तो वो खाली खोखा है, बिना ऑयल वाला दीपक है, जलेगा नहीं। लेकिन अगर उस ऑयल में जैसे दीपक में ऑयल होता है वैसे जिंदगी में एक्साइटमेंट होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। यू गॉट माय पॉइंट? आर यू एक्साइटेड? यस। तो एक्साइटमेंट लेना है, जिंदगी को लेकर के खुश रहना है, जब सुबह उठते तो खुश रहना है, आज भगवान ने मुझे नया दिन दिया, आज साला कुछ ऐसा करेंगे, 10 लोगों के घर में भगवत गीता डाल के रहेंगे, आज कुछ भी हो जाए पूरा का पूरा 10 भगवत गीता 200 बीवी से 2000 बीवी डालूंगा ही डालूंगा। ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो जुनून है, ये किसी के घर में भगवत गीता डालने का जो माइंड सेट है, जो एटीट्यूड है कि इसकी जिंदगी बदलनी है, ऐसी बड़ी सोच के साथ जिसमें जुनून होता है वो आदमी करके दिखा देता है। यू गॉट माय पॉइंट? यस। जुनून एक दिन में नहीं आता है, जुनून आपके काम करने से आता है। तो एक्साइटेड है? यस। जुनून है? यस। जिनको जुनून नहीं होता वो घड़ी देखते हैं, अभी टाइम क्या हो गया, 10:15 का बोला था, अभी तो 5 मिनट रह गया। हेलो। जुनून वाला आदमी घड़ी नहीं देखता, जुनून वाला आदमी ये नहीं देखता कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जिस होटल में रुका हुआ हो सकता खाना बंद हो जाए। क्या फर्क पड़ता है, हम खाने के लिए नहीं आए, हम लोगों के जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, हम लोगों को आइकॉन बनाने के लिए आए हैं। यू मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। 90% सफलता किससे मिलती है? एक्साइटमेंट। आज के बाद जब भी तुम उठो, जब भी सो, तुम पूरा एक्साइटमेंट के साथ सो, शाम को भी ताली बजा के और अपने मैडम को बोला आज आई एम बहुत एक्साइटेड हूँ, आज गजब की नींद आने वाली है। सुबह जब उठते हो फिर सबको बोलो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मैं सबसे बेस्ट करने वाला हूँ। आप बोलो, बोलना शुरू करो, एकदम एक्साइटमेंट आ जाएगा। यस और नो? यस। लेकिन आदमी बोले सर हम तो एक्साइटेड रहना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है ना बॉस क्या क्या बोलेगा, तो वो फाइल लेके हम बॉस क्या बोलेगा, वो फाइल कर वाली रेफरेंस दिस एंड दिमाग में क्या चल रहा है वही चल रहा है। यस और नो? यस। और उधर से आते ही पत्नी परिवार बच्चे ये वो करना है, पैसे में जेब में पैसे हो तो थोड़ा एक्साइटमेंट हो, और जाकर के खरीद के ले जाके बोले लो राजू की मम्मी कहा चाहिए और बोलिएगा। Yes or no? Yes. लेकिन पैसा नहीं है, पैसा फेक तमाशा देख। और आप पैसा कमाने के बिजनेस में हो कि नहीं है? Yes. एक्साइटमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes. एक्साइटमेंट जिस आदमी का चेक बनता है, जिस टीम के अंदर FIM ग्रुप मीटिंग होती है, क्या कमिटमेंट होता है, जहां लोग बोलते हैं कि तू मेरे से बेहतर नहीं कर सकता है, इस सप्ते अगर कोई माइक लाल है मेरे से ज्यादा भगवत गीता करके दिखा दे, कोई माइक लाल जिसने अपनी माँ का दूध पिया है अगर मेरे से ज्यादा 500 बीवी करूंगा किसी में दम है तो चैलेंज कर दो, ऐसा चैलेंज के साथ में नेटवर्क बनता है। लोग जब बोलते कि भाई तू मेरे को चैलेंज करता है, पति के पुत्र सागर साला मैं करके दिखाऊंगा, वो कंपटीशन चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपटीशन। कंपटीशन से काम होता है। यस और नो? यस। एक्साइटेड रहेंगे? यस। जिस आदमी में एक्साइटमेंट नहीं है वो जिंदा मुर्दा है, क्योंकि एक्साइटमेंट से आदमी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करता है, पूरा जोश के साथ काम करता है, पूरा जुनून के साथ काम करता है, इसलिए उसको डेली रिजल्ट मिलते हैं। उसकी जिंदगी को देख के लोग बदलते कि यार इसके पीछे हो तो जिंदगी बदल जाएगी। अरे तुम्हारा हुलिया नहीं है, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, भूजी हुई बैटरी है और बिल्कुल चाइनीज बैटरी है, थोड़ी देर छिपझप करके चली जाती है, अरे एकदम जबरदस्त बैटरी में ब्राम 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 होना चाहिए कि नहीं? यस। ये जोश और जुनून सक्सेस दिलाती है, आपका अचीवमेंट दिलाता है। आज हमारे अंदर जुनून क्यों है, हमारी 48 एज है, लेकिन 16 साल के लोंडे को भी किसी भी फील्ड में बोल सकते हैं आजा। Is it right? Yes. तो 90% सफलता के लिए जोरदार तालियां बजाइए।